लेकिन असल तरीकेकार ये है, ये ऊपर रखते हैं, ये जो है ना ये मुझे छोटा है, मेरा सिर जो है ना वो बड़ा है, ऊपर बड़ा छोटा आ रहा है। लेकिन उधर पाकिस्तान में ये सिस्टम हो तो भाई साहब डेरे पे जाना हो ना, ये ऊपर रख के, ऊपर ड्रम ही रख के दूध वाले डेरे पे जाएं और वापसी पे भी यही लेके आएं। यार मैं इधर बैठा हुआ था तो मेरी नज़र पड़ी एकदम से इधर, ये देखे सांप है इधर, वो नीचे चला गया, अभी इसको मारना पड़ेगा भाई साहब, बहुत ही ख़तरनाक है ये। वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा धूप आ चुकी थी, मैंने जो है ना गाड़ी जो है ना यहाँ पे ड्रॉप की थी और यहाँ पे सो गया था, नींद पूरी की अपनी, और अभी उठे हैं और अभी जो है ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद तारीख और सन 2024, तो आज की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यही छोटी सी हमारी ज़िंदगी है जो आप लोग देखते हो, प्रदेश की लाइफ। इधर देखा भाई साहब पानी जो है ना वो भी ख़त्म हो चुका है, अभी फिर नाश्ता कर लेते हैं, पानी से पानी फिर ले आएंगे इंशाल्लाह। जी अभी नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, भाई जो है ना अभी आए हैं। भाई कब गए थे कल काम पे और कब आए रात? 6 बजे गए थे कल, 6 बजे ये भाई गए सुबह, ऐसा ही है। रात को किस टाइम? 1 बजे रात के 1 बजे आया, यकीन करें इसकी हालत देख लें। दोपहर को ये खाना भी नहीं खाने आया, इसका खाना बांध के ले गए थे क्योंकि इसकी बारी थी पानी लगाने की, तो मैंने सोचा यार अभी बंदा आया शायद सोने के लिए आया, तो अभी सोने के लिए आए हो? नहीं तो अभी बोल रहा है यार मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अभी मैं काम पे जाऊंगा। तो ये देखें जी प्रदेश की हालत है, ये इस तरह हालत हो जाती है। अभी देखें 9 हुए हैं, अभी बंदा आया, तो मैंने बोला शायद अभी नींद पूरी करेगा सोएगा, रात को पानी लगाता रहा सारी रात, दिन को भी अभी इसको नींद आई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काम पे जा रहा है, इसको कहते हैं प्रदेश। और ये जी इधर इन्होंने सांप रात को पकड़ा था, बोतल में इन्होंने कैद कर लिया है। ये सांप जिंदा है अभी? हाँ ये हरकत कर रहे है। अच्छा ये देख, इसके अंदर कचरा किस मिट्टी है, इसके अंदर मिट्टी भी है, ये इसका ये है, ये जी सांप है इसके अंदर जिंदा है अभी, मारा नहीं इसको यार, दफना दो, मार के दफना दो यार, इसे खुद ही मर जाए। खुद ही कैसे मरेगा ये? खुद नहीं मरेगा ये, जहर दे, जहर किधर है? ये क्या है किधर? ये अंदर इसके, ये सारा जहर इसने फैलाया हुआ है। अच्छा यार बड़ा खतरनाक सांप लग रहा मुझे तो, बड़ा हरामी है। देखो ना इधर बहुत सांप है यार, गर्मी आ रही है ना, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं यार, ये बहुत निकलेंगे उसका, बड़ा मसला है ये तो फिर। हाँ ये किधर से मिला, किधर से यार? ये मिला है मदर से। अच्छा मजरे से, रात को पानी लगा रहे थे ना। अच्छा रात को पानी लगाया था आपने? यार एहतियात किया करो खास तौर पे रात को, ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। ये देखो प्रदेश का हाल, प्रदेश का मना इसको बोलते हैं रात सांप। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो सऊदी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुका है, तो वो आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया था, और कल का भी नहीं पता वो कल आए या ना आए, तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अगर वो बीमार हो गया ज़्यादा तो शायद मैं भी यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं गया था तो वो यही बोल रहे थे कि वो बीमार हो गया ज़्यादा, फिर 1 महीना उन्होंने घर रेस्ट की, उसके बाद फिर आपको पता मैं इधर आया, मुझे उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया, मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आया था। खैर अभी देखते हैं क्या सीन होता है, अगर तो वो तंदुरुस्त हो गया तो फिर वापस आएगा, वरना फिर मैं चला जाऊँगा यहाँ से, तो देखते हैं क्या सीन होता है। अभी जो है ना टाइम हो जाता है जी हांडी बनाने का, तो मैंने जो है ना हर चीज़ काट कर रख दी हुई है। ये रहा जी सब्जी बैंगन, और ये इधर जो है ना मसाला वगैरह बन रहा है जी, और जैसे ही बनेगा फिर इंशाल्लाह इसमें सब्जी अपनी ऐड करेंगे। अभी सब्जी मैंने डाल दी हांडी में, अभी इसको रख देते हैं हम थोड़ी देर जो है ना बाहर घूम फिर लेते हैं, और तो हमें काम नहीं है कोई भी, फ्री हैं अभी। अभी जो है ना सरदार के मैसेज आए हुए हैं, मैसेज सुनाएं ज़रा क्या बोलते हैं सरदार। हाँ हमारी ऑडियंस को दिखाएं,
سردار صاحب سردار صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں لوگ یار آپ کو یاد کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، کدھر گئے ہو یار؟ واپس آ جاؤ، فوٹو بڑی سونی لائی ہوئی ہے، ابھی جواب دے گا۔ لائٹر دیں اسے، آگ جلانی ہے۔ کھانے لگے ہیں سارے بھائی، آئے ہیں ادھر۔ گرمی کی کیا صورتحال ہے میرے بھائی؟ گرمی بہت زیادہ ہے بھائی۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں جو ہے نا بجلی کا انتظام کر کے دیا جائے یہاں پہ، کفیل ہمارے تو کچھ نہیں کر کے دیں گے، کچھ بھی نہیں، حکومت آئے تو ہمیں ہی لے جائے گی۔ اچھا جی، ہم سے اپیل نہ کریں، وہ بولیں گے آپ پاکستان چلے جاؤ۔ جی جی، ہاں ادھر چلے، وہاں جائیں، آپ وہاں پہ جا کے آرام سے سکون سے سوئیں پاکستان۔ جی جی، وہاں پہ بھی کون سا سکون ہے بھائی؟ ادھر بھی کوئی سکون نہیں ہے۔ نہیں وہاں پہ پھر بھی سکون ہے یار۔ کس طرح؟ نہیں آپ تو شہر میں رہتے ہو نا، ہم سے پوچھو جتنے لوگ ہیں، ہم اپنے ملک میں سکون ہے بھائی، وہاں سب کچھ، وہ تو الگ سا سکون ہے، ایک فیلنگ ہے الگ سی۔ دونوں جو ہے نا شہر کے ہو؟ نہیں نہیں، پنڈ کا ہوں میں، میں پنڈ کا ہوں بھائی، یہ صرف یہ ایک خالص بندہ ہی ہے شہر کا، پہلے یہ بھی پنڈ میں تھا، ابھی شہر میں چلا گیا، ابھی ممی ڈیڈی بن گیا ہے، سارے باقی گاؤں میں ہیں۔ گاؤں اچھا ہے، زبردست۔ یہ جو ہے نا، یہ دیکھو نا، یہ دھاگا جو ہے نا، یہ اتار دو، صحیح ہے؟ ہاں، یہ ایسے پکڑو، اسے دھاگے کو کھینچو، کھینچو، آئی ہوا، یہ ایسے ڈال دو، پتی ساری گھل جائے گی۔ اچھا، ہاں جی، مشکل نہیں ہے، لیکن جو ہے نا پھر پننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس پونی بھی نہیں ہے نا۔ ہاں ہاں، تو پھر ابھی یہ دیکھنا، ابھی اس کا رنگ نکل جائے گا جب یہ ابلے گی نا۔ صحیح صحیح، ہاں یہ دیکھو سارا، تم وہ کب پھاڑ دیتے ہو نا اس کو، پھر ڈالتے ہو پتی، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم سندھی سسٹم کرتے تھے، جگاڑ والا، جگاڑ والا۔ اچھا، یہ جی بلی آئی ہے، یقین کریں باہر بہت زیادہ گرمی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، مانو بلی میں آؤں، ادھر چھاؤں وغیرہ ڈھونڈ رہی ہے کہیں ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے نا۔ باقی سارے بھائی چلے گئے ہیں کام پہ، تو یہ بھائی جو ہے نا کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے، ابھی سو کے اٹھے ہیں۔ نیند پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نیند پوری ہو گئی۔ اچھا، نہیں یہاں پہ نا کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو میں نے اس کو بولا یہاں پہ سو جاؤ، یہاں پہ سویا تھا، ابھی اٹھا ہے بالکل۔ مکیف والے بندے ادھر بہر پڑے ہوئے، کدھر؟ اے سی والے۔ صحیح ہے، ابھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، ابھی صحیح ہے، ابھی تو صحیح ہے، باہر دیکھو کتنی گرمی ہے۔ ایسا ہوتا تو میں سارا تین دن نہیں اٹھتا تھا۔ اچھا، اگر ایسے سین ہو تو اے سی والا، اے سی والا۔ ابھی تیل بھی ختم ہونے والا ہے گاڑی میں، اور ابھی میں جا رہا ہوں جی سعودی کو لینے کے لیے، اس کی کال آئی ہے گھر سے، تو ابھی اس کو لے کے آتے ہیں، پھر اس کو شام کو چھوڑ کے آئیں گے۔ ابھی کال آئی ہے اس کی، ٹھنڈی ہے، یہ دیکھو بندہ خوش ہو گیا۔ بندہ خوش نہیں ہوگا، سعودی کو لا کے یہاں پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ پہنے تو بول رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ چادر جو ہے نا رکھی ہے، یہ سعودی زیادہ لیتے ہیں، لیکن اصل طریقہ کار یہ ہے، یہ اوپر رکھتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ مجھے چھوٹا ہے، میرا سر جو ہے نا وہ بڑا ہے، اوپر بڑا چھوٹا آ رہا ہے، لیکن ادھر پاکستان میں یہ سسٹم ہو تو بھائی صاحب ڈیرے پہ جانا ہو نا، یہ اوپر رکھ کے، اوپر ڈرمی رکھ کے دودھ والے ڈیرے پہ جائیں، اور واپسی پہ بھی یہی لے کے آئیں، یہ سسٹم ایسے کرتے ہیں، پھر بعد میں سسٹم بڑا کچھ ہے ان کا۔ ابھی جو ہے نا ادھر بیٹھ کے چائے پئیں گے ماشاء اللہ جی، کافی زیادہ چل رہی ہے جی۔ یار میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر پڑی ایک دم سے ادھر، یہ دیکھے سانپ ہے ادھر، وہ نیچے چلا گیا، ابھی اس کو مارنا پڑے گا بھائی صاحب، بہت ہی خطرناک ہے یہ، یہ کدھر سے آ گیا ہے، یہ دیکھیں اندر جا رہا ہے ابھی، یہ ہے سانپ، ابھی اس کو مارنا پڑے گا بھائی صاحب، ادھر سے نکال کے ادھر بیٹھا ہوا تھا میں، یقین کریں ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، سونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ یہ دیکھیں یہ سانپ ہے، وہ اندر جا رہا ہے بھائی صاحب، یہ دیکھیں جی اس کو ابھی پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی دوڑ رہا ہے یہ، بالکل جو ہے نا زندہ ہے ابھی، اس کو ابھی تھوڑا تھوڑا زندہ
लगा भी सही इसको मारना तैयब तैयब भाई ताना तल्ले भाई था ये देखिए जी पता नहीं कहाँ से आ गए यार इतने सारे एकदम से ये रहे जी इधर दफना देते हैं इसको भाई साहब ये रोज ही निकल आते हैं भाई साहब पता नहीं क्या चक्कर है यार असल में गर्मी है गर्मी में ये ज़्यादा निकलते हैं अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है भाई साहब और मैं जाऊंगा अभी सऊदी को उतारने के लिए यकीन करें तीसरा चौथा सांप निकल रहा है भाई साहब पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे गर्मी है असल में तो गर्मी में ये ज़्यादा निकलते हैं बाकी हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी इन चीज़ों से वैसे ये बहुत ख़तरनाक भी होते हैं गुमसुम गुमसुम उधर वाजें दे रहा हूँ मैं तुम्हें पता ही नहीं चला सांप निकला कौर उधर जिधर बैठते हैं हम लोग कसम से फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था मैं साथ में बैठा हुआ था अभी उधर दफना दिया मैंने उधर मार के दफनाया वैसे क्यों वैसे वो काबू नहीं आता भाई ऐसे ऐसे दौड़ता है हाँ ना अभी दफना दिया उसे अच्छा जी सऊदी को मैंने घर ड्रॉप कर दिया और ये पेट्रोल जो है ना ये ख़त्म हो गया अभी जा रहा हूँ वहाँ पर और मुर्गी भी लेके आऊँगा इंशाल्लाह आज मुर्गी बनाएंगे तो अभी बस जा रहा हूँ ये जी आ गया मेन रोड हमारा यही पक्का एक रोड है और लाइटिंग लगी हुई है माशाल्लाह देखें यहाँ पे रोड के ऊपर लाइटिंग लगी हुई है और हमारे पास उधर लाइट ही नहीं है ये सारी रात चलती रहेगी सुबह जाके बंद होगी वो भी है उधर भी रोड है उधर भी कितनी लाइटिंग है यार देखें उधर बड़ा डबल रोड है ये जी पेट्रोल डल गया जी 50 रियाल का और साथ में जी ये कुछ सामान लिया ये मुर्गी है इसमें इसमें दूध गिलास और चिप्स हैं एक लड़के ने बोला था साथ में ये लिखी उसने बोला था वो भी आ गई है तो लेके चलते हैं भाई साहब 8 होने वाले हैं तो निकलते हैं भाई साहब अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है जी ये जी आते सारी मैंने ना मुर्गी जो है ना काट के इसके अंदर ऐड कर दी है प्याज और ये गोश्त ये दोनों इकट्ठे ही ताकि थोड़ा सा तड़का लग जाएगा मुर्गी का टेस्ट बन जाएगा फिर बाद में इंशाल्लाह इसके अंदर प्याज टमाटर बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे सॉरी प्याज तो पहले डाल दिया टमाटर मिर्चें बाकी सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह बाद में ऐड करेंगे बाकी पहले इसको थोड़ा सा जो है ना एक बार तड़का लगा लें भून लें एक बार तो ये जी माशाल्लाह सालन जो है ना वो बन चुका है माशाल्लाह जी ये रहा जी सालन आज का माशाल्लाह जी माशाल्लाह अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कितना पानी है इसमें इसमें पानी तो नहीं पर कितना दूध और कितना पानी है वो पता नहीं कहावत है ताज़ा करा रही है इधर मेरे लिए कहावत है ना पुरानी बनी हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सारे लोग हाजी साहब किधर है अच्छा जी फास्ट बॉलर है हुई ना फास्ट बॉलर पर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है ना क्या तो सब को शेयर का मतलब कर लो जी दो बंदे हो गए तू ही भाई जान हाजी साहब हाजी साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह काम ही बहुत उर्दू में बताओ ना यार बहुत जबरदस्त आई वाह चलें जी हाजी साहब माशाल्लाह जबरदस्त बेस्ट प्लान चलो जी मैं टेस्ट कर देता हूं क्या ही बात है यार माशाल्लाह नजर ना लगे मुर्गी को नहीं लगे माशाल्लाह अभी लगने वाली है अभी लगने वाली है अच्छा जी ये जी सारे लोग जो है ना अपने बिस्तर में मोबाइलों में लगे हुए हैं माशाल्लाह इधर भी दो आदमी तीन इधर हैं एक किधर हूँ मैं आई वाह सी यू बाय गुड नाइट ओके जी अल्लाह हाँ जी बहुत नुकसान देता है भाई कौन सा मोबाइल तो भाई बोल रहे हैं मोबाइल बहुत नुकसान देता है किस वजह से नुकसान देता है यार ये इस चीज को कि अगर इसको चलाते रहोगे तो नींद नहीं करोगे रात भर हाँ हाँ बिल्कुल काम पे जाना पड़ेगा तो काम नहीं हो पाएगा आपसे
तो वजूद जो है थकन का शिकार होगा तो आपकी उससे तबीयत खराब हो सकती है। आपका मतलब है इस टाइम बैल नहीं यूज करना चाहिए? सही बात है यार। तो भाई साहब ये भी लोग यहाँ तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।